सब सुनाते हैं अपना अपना किस्सा, लो आज मेरा भी सुनो। मैं पुलिस वाला हूं, कांस्टेबल से लेकर थानेदार तक, एसीपी से डीआईजी तक, एसपी से आईजी तक, डीसीपी से सीपी तक, सब मेरे ही रूप हैं। ये बात अलग है, कोई धूप में तपता है दिन भर, तो किसी को हर वक्त छांव नसीब है। खैर, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, वैसे हम सब एक परिवार हैं। हमारा घर क्या है, हमारा घर क्या है, बैरक है, चौकी का केबिन है, थाने की दीवार है। ऑफिस जाने वाले शाम को घर लौट आते हैं, दूसरे महकमे वाले संडे घर पर मजे से बिताते हैं, वो साल दर साल हॉलीडे ट्रिप पर बैंकॉक जाते हैं। आप एयरपोर्ट जा रहे होते हैं और हम रोड पर आपके लिए ट्रैफिक खुलवा रहे होते हैं। आप घर पे ईद दिवाली मना रहे होते हैं, उस वक्त हम किसी के घर की आग बुझा रहे होते हैं। आप सपने सजा रहे होते हैं, हम एक और केस की एफआईआर बना रहे होते हैं। और तो और, नशे में धुत अमीरी का गुरूर लिए वो आते हैं, सीधी अपनी एसयूवी हम पे चढ़ाते हैं। सरकार कहती है शहीद अमर रहे, पीछे से बच्चे नौकरी पेंशन रोटी के लिए बिल बिलाते हैं। बरसात हो या गर्मी हो या सर्दी, हर वक्त तैयार रहती है मेरी खाकी वर्दी। न जाने कब कोई वारदात हो जाए, कोई चोर इस पार से उस पार हो जाए। न जाने कब कोई आग लगा दे किसी के आशियाने में, न जाने कब अपराध हो जाए गली मोहल्ले बाजार या वीराने में। न जाने कब कोई तोड़फोड़ शुरू कर दे, मैं ना हूं तो एक एक शख्स को लूटने का जोर शुरू कर दे। वीआईपी का काफिला हो या हो स्ट्राइक हड़ताल, सब कुछ दुरुस्त रखने मुझे, सबकी सुरक्षा सबकी जांच पड़ताल। नेता हो या अभिनेता, आम हो या खास, सबके साथ सबके पास, सबकी लिखूं मैं रपट, लिखूं सबकी दरख्वास्त। चोर डाकू बलात्कारी नशेड़ी जुआरी भिखारी अस्मत का शिकारी सामाजिक बीमारी व्यभिचारी, सबको मुझे कंट्रोल में रखना, ये मेरी ड्यूटी। फिर भी मैं बेईमान रिश्वतखोर अनाड़ी चालाक मौका परस्त कहलाऊं, हाय किस्मत मेरी फूटी। एक बात बताओ, कौन सा महकमा है जिसके सारे कर्मचारी ईमानदारी से महकते हैं? कौन सा वो दफ्तर है जहां चापलूसी और जलन के बर्तन ना खनकते हैं? कौन सा महकमा है जहां सिफारिश नहीं आती? कौन सा महकमा है जहां नोटों की गुजारिश नहीं आती? फिर क्यों पुलिस महकमे ही बदनाम और क्यों कहलाएं खुराफाती? सुनो मेरी डाइट क्या है, सुनो मेरी डाइट क्या है। तुम खाते हो मुर्ग मसल्लम, मैं ट्रैफिक में धुआं पीता हूं, धूल मिट्टी खाता हूं। तुम घर में भी सनस्क्रीन लोशन लगाते हो, मैं गर्मी में बदन पे अपना पसीना सजाता हूं। तुम पकड़ते हो हाथ बीवी बच्चों का, मैं गुनाहगारों का हाथ पकड़ के उन्हें सलाखों के पीछे ले जाता हूं। वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ना पकड़ सकें, इसलिए मैं उन्हें हथकड़ियां भी लगाता हूं। थाने में मेरी कुर्सी के पीछे गांधी जी की तस्वीर है, थाने में मेरी कुर्सी के पीछे गांधी जी की तस्वीर है, पर मेरे पास सब क्रांतिकारी बन के आने लगे हैं। कहता हूं बैठिए, कहता हूं बैठिए, इतनी देर में वो फोन पर नेता का नंबर लगाने लगे हैं। कोई किसी नेता की धौंस देता है, कोई बाहुबली से रिश्तेदारी निकालता है, कोई बाजुओं को ऊपर करता है, कोई कुर्ते के अंदर चाकू पिस्टल को संभालता है। लोग कहते हैं मैं अनाड़ी हूं, जोर से बोलता हूं, मुझे तमीज नहीं है।
लोग कहते हैं मैं अनाड़ी हूं, जोर से बोलता हूं, मुझे तमीज नहीं है। गुनाहगारों को ये बोलूं क्या? हेलो भाई साहब, आप ठीक है ना? बताइए क्या सेवा करूं आपकी? अगर मेरी जुबां पे भी रूखापन नहीं आएगा तो गुनाहगार आराम से और गुनाह करता चला जाएगा। हमारी कीमत बहुत सस्ती बना दी लोगों ने, हमारी कीमत बहुत सस्ती बना दी लोगों ने। 100-200 रुपये में हमें खरीदने लगे हैं। अब तो सोच बदल दो भाई, अरे अब तो सोच बदल दो भाई। चालान भी अब डिजिटल पेमेंट से होने लगे हैं। सुनो, मेरे महकमे में कोई एक दागदार होता है ना, तुम सबको ही दागदार समझने लगते हो। ईमानदारों की कमी नहीं मेरे यहाँ, ईमानदारों की कमी नहीं मेरे यहाँ, पर तुम इसको लूटने वालों का परिवार समझने लगते हो। मैं जान पर खेलता हूं मगर तुम्हारी हिफाजत करता हूं, मैं जान पर खेलता हूं मगर तुम्हारी हिफाजत करता हूं। तुम सोते हो एसी हीटर में मगर मैं बाहर रात बिताता हूं। तुम्हारी पगड़ी को आंच ना आए इसलिए अपनी टोपी को कस के लगाता हूं। इस वीडियो का मकसद है कि लोगों के दिमाग में पुलिस कर्मियों के प्रति जो नेगेटिव सोच बनी हुई है उस सोच को बदला जाए। पुलिस कर्मियों के प्रति अपनी सोच बदलिए, वो आपकी हिफाजत करते हैं। इस देश की उन्नति और प्रगति के लिए पुलिस का सहयोग जरूर कीजिए। देश हित व मानव हित में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।